पहले कुछ नमूने मैं ऐसे दिखा दूँ तुम्हें सामने, देखो मतलब एक स्कूटी पे 4 लोग बैठे हुए हैं, पैर रखने की जगह तक नहीं है। भाई मज़ा आ रहा होगा। नहीं कैसी कोई बात नहीं यार, कोई नहीं चला के देख लो। और भाई आज का सिनेरियो ये रहेगा कि मैं अभी निकल रहा हूँ घर से बाहर और चॉकलेट वगैरह ले लूँगा, दैन उसके बाद जो है मैं रैंडम गर्ल्स को चॉकलेट देने वाला हूँ। मतलब 2 4 5 जो भी मिलेंगे हमें रास्ते में सबको दे रहे हैं और जाऊँगा। मेरा डेस्टिनेशन है सीपी, कर्नाटक प्लेस जाना है, मेरे को काम भी है। तो इसके साथ साथ मैंने सोचा चलो वीडियो भी बना लेंगे यार, अपना ही राज है बस। चलो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और मिलता हूँ मैं जल्दी तुम्हें बाइक पे। तो भाई सिंड्रेल के पास आ चुका हूँ मैं और ये पता नहीं क्या लटक रहा है, तो सीधे निकलते हैं अब यहाँ से कर्नाटक प्लेस। उससे पहले हमें लेना है चॉकलेट, तो देवली में मैं चॉकलेट लूँगा ताकि जो मैंने कमिट किया है वो चीज़ करके दिखाऊँ। और देवी को मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, सिंड्रेल के ऊपर विराजमान हो गए। भाई मज़ा आता है, पता है क्या 2-3 दिन से इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना मेरे को कि निकलने में अलग से ही मज़ा आता है। क्योंकि रीज़न है भाई, काफ़ी लंबा वेट कराया है इस महारानी ने, काफ़ी ज़्यादा लंबा वेट नहीं करा दिया। तुम खुद बताओ यार और कमेंट क्या करो यार, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब कैसी लग रही है अब, पहले से मच बेटर या फिर पहले जैसी लग रही है। ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा, तुम कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट किया करो, कमेंट करोगे जब भी मालूम चलेगा कि हाँ वीडियो कैसी है कैसी नहीं है सारी चीज़ें। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि कमेंट किया करो ताकि जो है बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें आए और मुझे भी मालूम चलता रहे कि हाँ मैं क्या बना रहा हूँ क्या नहीं बना रहा हूँ। शिट मैं तो भूल ही गया था। बड़े ही ध्यान से प्यार से आराम से निकालना पड़ेगा। अब हटाएगा तो आगे बढ़ूं। These guys are stuck with my look. Seriously मज़ा आता है यार ऐसे मतलब मज़ा आता है। ये देखो देख रहे हो साइड वाली आँख ऐसे करके देख रही है। भाई मज़ा नहीं आता मतलब रिएक्शन पाने में। रिएक्शन तुम खुद सोचो, जब तुम देखते हो, जब तुम वीडियो में देखते हो तब तुम्हें इधर मज़ा आता है। सोचो अगर मैं तो वीडियो बनाता हूँ सामने से सारी चीज़ें कैप्चर करता हूँ। अब जैसे कि ये लेडी जो है देखती हुई जा रही थी, कुछ यूनिक सा लेके आता हूँ मैं हमेशा, कुछ यूनिक सा ही प्रेजेंट करता हूँ। इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ करने को तो बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे ही रोज़ डेली का कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करता। मैं इसलिए करता हूँ कि मतलब जो भी करूँ प्यारा हो सारी चीज़ें। देख रहे हो ये बॉयज़ देखते हुए जा रहे हैं, लड़के सारे देखते हुए जा रहे हैं, लड़कियां देखती हुई जा रही हैं और देखेंगे क्यों ना। भाई सींग वाला हेलमेट, हाँ दोस्तों सींग वाला हेलमेट पहन रखा है मैंने फिर से। हाँ उस पता है क्या, मैंने ये हॉर्न इस वजह से लगाया है ना कि अट्रैक्ट करे लोगों को, और वाकई में ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जब भी मैं निकलता हूँ तो अट्रैक्ट करते हुए जाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा इसको ना अपने हेलमेट में लगा के रखता हूँ कि हाँ भाई जहाँ भी जाऊँ इस सारे के सारे अट्रैक्ट हो। जैसे कि अभी ये बंदा देख रहा था और ऐसी सारी चीज़ें। तो चलो बने रहो वीडियो में और देखते रहो सद्दाम व्लॉग। बाकी अब तो भाई मैं देवली आ चुका हूँ। देवली में आने के बाद जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है कि हाँ भाई चलो अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी जो है। बाकी मैंने चॉकलेट ले लिया है, चॉकलेट दिखा दूँ मैं कि मैंने चॉकलेट ले लिया है। तो ये अब देने वाला हूँ मैं सबको, जो गर्ल मिलेंगी। अब देखते हैं कौन कौन लेता है कौन कौन नहीं लेता। बाकी डोरेमोन की पॉकेट वाला मैंने पहन के आया हुआ हूँ ताकि इजी हो जाए ना, ईज़िली निकाल के कभी भी रैंडमली किसी को भी मैं दे सकूँ। इस वजह से मैंने वो बोला ये हुडी पहन कर आया हूँ। और आज का इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो बहरहाल कल का वीडियो जिसने भी देखा होगा रिएक्शन वीडियो, काफ़ी मतलब मेहनत करके बनाया था मैंने। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। और अभी तो हम जा रहे हैं, काफ़ी मुश्किल होता है यार ऐसे टास्क वगैरह ना, जो हम मतलब सोचते हैं कि हाँ चैलेंजिंग वीडियोस जो होती है वो चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम मतलब रैंडम गर्ल्स को कैसे हम दे सकें, कैसे कर सकें, इसलिए जो है थोड़ा टाइम लगता है, बट कोई नहीं। तो भाई मैं चिराग दिल्ली क्रॉस कर चुका हूँ, मैंने इस वजह से इतना लेट स्टार्ट किया अभी क्योंकि भाई चिराग दिल्ली वगैरह तक ना जाम बहुत ज़्यादा होता है शाम के टाइम, इसलिए जो है मैंने अभी स्टार्ट किया। और सबसे पहले मुझे डलवाना है पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल का टिमटिमा रहा है, मैं नहीं चाहता कि हाँ बीच रास्ते में जो है मुझे धोखा दे जाए, इसलिए चल रहे हैं। सबसे पहले पेट्रोल डलवाते हैं, फिर अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है पता है क्या, मतलब गर्ल्स वगैरह जितनी भी है ना, मोस्ट ऑफ क्यूट गर्ल्स जो हैं, वो खूबसूरत गर्ल्स जो है वो कनॉट प्लेस में ही मिलेंगी, तो वहीं जाएंगे। ये चलो तो यहाँ पर देखो मोस्ट ऑफ जो है गर्ल्स तुम्हें दिखेंगी पेट्रोल के लिए। लाइन उधर चल रही थी ना, इधर अभी चालू हुआ है तो मैंने यहाँ लाइन लगा लिया। भाई साहब चलो, तो मैंने जो बोला था ना वो देख लो, यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो है गर्ल्स ही यहाँ पे। ₹101 लीटर, वाह 96। बाकी पेमेंट यहाँ पे स्कैन कर लो ना। ठीक है सद्दाम भाई, पेट्रोल डल चुका है हमारा और चलो हम निकलते। कैसी कोई बात नहीं यार, कोई नहीं कोई नहीं, चला के देख लो। यहीं से स्टार्ट हो सकता है। ये गोप्रो है, डीएसएलआर से भी बड़ा होता है ये, फोटो वीडियो सब होती है। फ़ोन से खींच देता हूँ हाँ। मैं लेने वाला हूँ 8 टाइम। अच्छा लाइट बंद करो इसके। मैं खींच दे रहा हूँ, मैं अपने फ़ोन से खींच देता हूँ। OnePlus। अच्छा अभी देखना। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये सद्दाम भाई को आगे बढ़ाएं। और लुक कैसा लग रहा है मेरा? थैंक यू सो मच, आगे भी आप ऐसे। थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू। चलो तो इनसे हो गया काम ख़त्म। ये होता है पता है क्या, मतलब एक जो जेन्युइन जो जेंटलमैन होते हैं ना, वो इस तरीके से है कि मतलब भाई काफ़ी कम देखने को मिलते हैं ऐसे जेंटलमैन लोग, जैसे कि मुझे अभी मैंने देखा। ओह वी गो। तो यहाँ पे कुछ एटलीस्ट कम से कम कहीं से तो शुरुआत करूँ ही, देखते हैं। पहले शुक्रिया। कुछ नमूने मैं ऐसे दिखा दूँ तुम्हें सामने, देखो मतलब एक स्कूटी पे 4 लोग बैठे हुए, पैर रखने की जगह तक नहीं है भाई। मज़ा आ रहा होगा भाई। देख रहे हो मतलब लटके पड़े हैं बट स्टिल फिर भी जो है देख रहे हो 4 लदे पड़े हैं, और मतलब इनको डर भी नहीं लगता यार सीरियसली। पैर रखने तक की जगह नहीं है, सोचो अगर पैर जो है नीचे टपक पड़े गलती से लग जाए चलती स्पीड गाड़ी में, कभी कभी अनबैलेंस हो जाता है कि हाँ भाई मतलब एकदम से अनबैलेंस होता है ना, लेफ़्ट राइट हो जाता है कभी कभी, तो मतलब पैर रखना ही पड़ता है। तो सोचो इसका क्या होगा स्पीड में अगर ऐसा हुआ तो। और एक दूसरे को लोग पकड़ के बैठे पड़े हैं, ये देख रहे हो। ये है लापरवाही का, लापरवाही जिसे कहते हैं ना, लापरवाही करना, वो ये है। देख रहे हो, मतलब ये लोग गलत ही एकदम, पर से स्पीड में भी चला रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल चला है, स्पीड में भी चला रहे हैं कि मतलब देख रहे हो, मतलब चार एक स्कूटी पे बैठे पड़े हैं, एक बंदे ने तो पैर भी नहीं रखा है पीछे। इसे लापरवाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, क्या ही कर सकते हैं, ऐसे लोग भी देखने को मिल जाते हैं। भाई मैं निकला था पापा की परियां देखने, ढूंढने, और मिले हैं भाई बाप का मगरमच्छ, क्या ही कर सकते हैं। आप तो निकलो यहाँ से, पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँ, उसके बाद में मैं बात करता हूँ। तो भाई मैं आ लिया घर, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ भी मिला ही नहीं, बाहर ना बाहर गया था, मुझे कुछ भी नहीं मिला, इस वजह से मैं घर आ गया और भाई मूड सा ख़राब हो गया। खैर कोई नहीं, दोबारा कोशिश करेंगे कभी, अभी तो फ़िलहाल चलते हैं घर। थक भी गया हूँ यार इतना लंबा ट्रैवल करके, अभी फ़िलहाल ना तो रेस्ट भी कर लूँगा और सारी चीज़ें। तो ये वीडियो भी देखो, आई होप आप लोग को ये वीडियो भी अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच देखने के लिए और इसको शेयर करो। चलो मिलता हूँ मैं जल्दी दूसरे अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखना, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो फटाफट, और टेक केयर, बाय बाय।